खजराना थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अवैध अल्प्राजोलम की गोलियां बेचता था। इसके पास से बड़ी मात्रा में टैबलेट बरामद हुई। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि खजराना क्षेत्र में पानी की टंकी के पास एक युवक नशीली गोली बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। क्राइम ब्रांच द्वारा खजराना थाने को सूचित कर टीम का गठन किया गया और संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी लखन ठाकुर को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी तलाशी में बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां अल्प्राजोलम पुलिस को प्राप्त हुई। आरोपी लखन ठाकुर पर पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि कहां से टैबलेट लाकर वह बेचने जा रहा था। क्राइम ब्रांच वालों ने थाने पर आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास MR 10 रोड के खाली मैदान में अल्प्राजोलम टैबलेट लेके खड़ा है। क्राइम ब्रांच की सूचना पर खजराना में टीम बनाई और घटनास्थल पहुँचे। वहाँ पर व्यक्ति मिला जिससे करीब 600 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की गई हैं। क्या नाम है आरोपी का? लखन ठाकुर, पिता अर्जुन सिंह ठाकुर, ये विजयनगर इंदौर का रहने वाला है। इसके पहले भी करीब 4-5 अपराध हैं। पहले भी ये नशा ही बेचता था किसको पहले? इस संबंध में उससे पूछताछ जारी है अभी। किस किस को देता था यहाँ पे ये? वो भी पूछताछ जारी है अभी। तो पूछताछ में है कि कहाँ से लेकर आया था अल्प्राजोलम इतनी मात्रा में? हाँ, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। एक मेडिकल वाले का नाम सामने आ रहा है और पूछताछ जारी है। तो आपका नाम? मैं SI रामकुमार रघुवंशी, खजराना थाना। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।